इस शरीर की यही सच्चाई है कि प्राण निकल जाने के बाद में लोग या तो इसे जला देते हैं, गड़ा देते हैं या पानी में फेंक देते हैं। इस शरीर की कीमत से केवल प्राण रहने तक है। अब प्राण छूट जाने के बाद में इस शरीर में सड़न पैदा हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है और बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, ऐसन देह निरालप बोरे मोबल छुए नहीं कोई हो, डंडवा की दोरिया तोरी लराइन जो कोटिन धन होई हो, उर्द निश्वासा उपजी तरासा जो हकराइन परिवारा हो, जो कोई आबे बेगी चलाबे पल एक संच न पाई हो, चंदन चीर चिता सब लेपे गर्गज मुक्ता के हारा हो, चौसठ गिद्ध मुए तन लूटे जमुकन गोत्र विदारा हो, एक एक दिना याही गति सबकी कहाँ राव कहाँ दीना हो, कहें कबीर सुनो भाई साधु ज्ञानहीन मत हीना। कबीर साहब जीवन की सच्चाई हम लोगों को बताते हैं। सच कहते हैं कि कड़वा होता है। जन्मदिन सबको याद रहता है पर मौत का दिन कोई याद करना नहीं चाहता। अगर कोई बच्चा कह दे कि राम नाम सत्य है, घर में ये नारा लगा दे कि राम नाम सत्य है, तो दादी मम्मी दादा सब डांटेंगे, मम्मी पापा सब डांटेंगे, चुप करो, ये कौन सा अशुभ वाक्य बोल रहे हैं। घर में कोई लड़का ये नारा लगा दे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, तो घर के सब सदस्य डांटेंगे ना जी। क्यों? क्योंकि ये नारा कब लगाया जाता है? जब कोई मर जाता है। पर ये नारा कितना सुंदर है कि राम नाम सत्य है। ये कब सुनाया जाता है? जब सुनने वाला प्राण आत्म राम चेतन राम इस शरीर से निकल जाता है तब ये नारा सुनाया जाता है। जब सुन नहीं सकते, अभी प्राण राम है इसमें, रमैया राम चेतन राम है, अभी ये नारा सुनाना चाहिए। जब ये नारा सुनने के लिए हमारे पास प्राण नहीं रह जाते तब दुनिया के लोग ये नारा सुनाते कि राम नाम सत्य है। मुर्दा को जब ले जाया जाता है तभी ना सुनाया जाता है, जबकि वो सुन नहीं सकता। अभी हम लोग जिंदा हैं, अभी हम लोगों को ये नारा लगाना चाहिए कि राम नाम सत्य है, पर ऐसा नहीं होता। जीवन की सच्चाई से हम दूर भागते हैं और जीवन के झूठ में ही हम जिंदगी जीते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसन देह निरालप बोरे मुबल छुए नहीं कोई हो, ये देह इतना नश्वर है, छड़भंगुर है, गंदगी का पिटारा है कि मर जाने पर प्राण निकल जाने पर कोई इसको छूता नहीं है, और जो भी छुएगा तो स्नान करेगा, इतना गंदा ये शरीर। अभी सब सट सट के बैठे हैं, पास पास में बैठे हैं, और एक गो का प्राण यहाँ से निकल जाए किसी का तो सब चार हाथ दूर खिसक जाएंगे। इतना ही नहीं, जब तक उसको जला ना दे, गड़ा ना दे, गंगा में प्रवाह ना कर दे, तब तक स्नान करने के पहले तक कोई खाएगा तक नहीं, कहेगा छुआ लग गया, छूत लग गया। संत कहते हैं कि इसी शरीर को सजाने में, सवारने में, इसी शरीर को खिलाने पिलाने में हम जीवन पूरा बिता देते हैं। इस शरीर की गुलामी करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। शरीर के लिए सुंदर कपड़ा, सुंदर मकान, सुंदर भोजन, एक बार नहीं तीन बार, सुबह से शाम तक 8 घंटा इस शरीर की सेवा में लगाते हैं। और इस शरीर की गति क्या होती है प्राण निकल जाने के बाद में? मुबल छुए नहीं कोई हो, मर जाने के बाद कोई छूना तक पसंद नहीं करता। एक बार की घटना है, सत्य घटना है। एक सेठ जी ने बहुत सुंदर आलीशान 1 करोड़ का बंगला बनाया है, उत्तर प्रदेश की घटना है। इतना सुंदर मकान बनाया उसने कि मेरे बेटा, मेरे बहू, मेरा परिवार, मैं इस बंगला में आराम से रहूंगा। पैसा बहुत था सेठ के पास में,
तो सोचा कि बेटा के लिए बढ़िया से अच्छा सा बंगला बना दे, मकान बना दे। जब मकान कंप्लीट हुआ बनके, तो घरवास, इधर कहते घरवास, हमारे यहाँ गृह प्रवेश कहते हैं, मकान उद्घाटन कहते हैं, उसकी तारीख निश्चित की गई। तो लोग पंडित ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी पंडित से कहते हैं कि कौन दिन शुभ होगा, मुहूर्त बताइए। मुहूर्त देखते ना कि कौन दिन शुभ होगा, कौन तारीख शुभ होगी, कौन महीना ठीक रहेगा। पंडित ने देखा कि अमुक दिन ठीक है, उस दिन आप घरवास कर सकते हैं। देखिए, हर काम के लिए आदमी पंडित के पास दिखाता। अगर शादी करना है तो पंडित के पास जाता है, कौन दिन ठीक रहेगा। लग्न शोधना है, किस दिन अच्छा रहेगा। लेकिन जन्म निकले की कोई मुहूर्त देखना पड़ता है, किस दिन जन्म ना ठीक रहेगा। आदमी बिना मुहूर्त का जन्म लेता है, बिना मुहूर्त का मर जाता है। मरने के लिए भी कोई मुहूर्त नहीं देखता, पर सारा जीवन आदमी जब तक जीता है मुहूर्त के चक्कर में रहता है कि कौन दिन ठीक होगा। सब दिन ठीक है। जिस दिन आप अच्छा कर्म करते हैं वो सब दिन ठीक है, जिस दिन आप गलत करते हैं वो सब दिन खराब है, चाहे कोई दिन हो। तो पंडित जी ने कहा कि अमुक दिन ठीक होगा। तैयारी इधर चल रही है बढ़िया से। कार्ड छप गया घरवास का कि इतने तारीख को होना है। कार्ड बट भी गया, भंडारा का सब सामान भी आ गया। अब कल घरवास का प्रोग्राम है और आज रात में ही अचानक सेठ जी के सीने में दर्द हुआ। सेठ जी को अटैक आया और सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। अब नए घर में अगर मुर्दा रखा हो, मरा हुआ आदमी तो सब छुआ ही मानेगा ना, गंदी ही मानेगा कि हमारा घर अपवित्र है। वही बाप जिसने घर बनवाया, आज उस बाप के शरीर के अंदर से एक छोटी सी चीज, इतनी छोटी कि जो दिखाई भी नहीं देती, वो छोटी सी चीज निकल गई तो पूरा घर पवित्र अपवित्र हो गया। सोचिए, लड़का बेटा बहू पत्नी सब सोचने लगे कि कल घरवास है, कल मकान का उद्घाटन है और रात में ये घटना घट गई, कार्ड सब बट चुका है, क्या किया जाए। तो लड़का ने दिमाग लगाया कि पिताजी की लाश को गैलरी में डाल दिया जाए, जहां पर गाड़ी वाड़ी रखा जाता है उधर ही लाश को डाल दिया जाए। कल सुबह घर वास हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, इसके बाद में ही ये घटना को ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, बताया नहीं जाएगा तब तक। जिसने महल बनाया उसके लिए जगह कहाँ है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, ऐसा निदेह निरालप बोरे, मुबल छुबे नहीं कोई हो, डंडवा की डोरिया तोरी लराई, जो कोटिन धन होई हो। अगर सेठ के गले में करधन में सोना चांदी किए आभूषण होंगे तो वो भी बेटा बहु छीन लेंगे, उतार लेंगे। माताएं जब मरती हैं, घर में सास मर जाए तो पुतहु कान में नाक में जो सोने का पहनी है, सास सब उतार लेती है कि साथ में आपका जाने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है। आप छोड़ो या ना छोड़ो, ये दुनिया के लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं। हम जीवन की सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं, ये दुनिया के लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं। बेटी छोड़कर चली गई, मेरी बेटी कह रहे थे कितने साल तक कहे मेरी बेटी मेरी बेटी, ये 15, 16, 18, 20 साल तक। आज वो ससुराल में है, आज आपकी बेटी नहीं हो, वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है। वो आपकी बेटी सिर्फ कहने भर को है, पर बेटी आपको छोड़ दी।
मेरा बेटा मेरा बेटा, आदमी बेटा बेटा कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार। लेकिन सच्चाई देखा जाए तो कुछ मेरा नहीं है। इस शरीर का जन्म भी दूसरे ने दिया, मेरा थोड़ी, दूसरे ने दिया, माँ बाप ने दिया। इस शरीर को नाम भी दूसरे ने दिया, नाम भी मैं नहीं रखी हूँ, नाम भी दूसरे से मिला, शरीर भी दूसरे से मिला, शिक्षा भी दूसरे से मिली, जीवन भी दूसरे से चल रहा है, फिर भी पूरे जीवन कहते रहते हैं मेरा मेरा मेरा। संत कहते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ मिला है आपको, वो आपका नहीं, एक अमानत है, कुछ दिन के लिए मिला है। जैसे किसी की अमानत रखते हैं हम, किसी का कोई सामान, तो कुछ दिन के लिए उसे अमानत के तौर में रखते हैं। इसके बाद में जिसका सामान होता है वो लेके चला जाता है। अगर आपको बेटी मिली है तो वो किसी की अमानत है जो आपके पास कुछ दिन के लिए रखी है। किसकी अमानत है बेटी? बेटी है तो दामाद की अमानत है। बेटी किसकी अमानत है? दामाद की अमानत है। वो दामाद लेके चला जाएगा, आपकी नहीं, आपके पास में कुछ दिन के लिए। बेटी है तो दामाद की, और बेटा है तो बहू का, आपका नहीं है, आपके पास में अमानत के रूप में रखा है कुछ दिन के लिए। 20, 25, 26 शादी जब तक नहीं हुई है तब तक वो आपका बेटा है, और शादी होने के बाद में किसका हो जाता है? बहू का। सही बात ना? अगर बेटा सर्विस में लगा है, अब पेमेंट मिलता है, तो माँ को देता है कि बहू को देता? पेमेंट बहू को देता है जी। अब कोई कोई होगा, ऐसे भी हैं कि आज भी माँ को, कोई कोई हो सकता है, लेकिन वो लाखों में एक। नहीं तो कोई भी बेटा कमा के आता है दिन भर में, हजार कमाए लाख कमाए, तो वो पैसा की बैग अपनी पत्नी को ही पकड़ाएगा, माँ को नहीं पकड़ाएगा। तो बेटा है तो बहू का, और बेटी है तो दामाद की, और शरीर है तो शमशान का। एक दिन शमशान का हो जाएगा, शमशान घाट में चल जाएगा ना, ये उसी का हो जाएगा। हमको तो सिर्फ कुछ दिन के लिए मिला हुआ, तो क्या करना चाहिए जब मिला है शरीर? तो इस शरीर से कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, नेक कर्म करना चाहिए। संत कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ था लिए फिरे थे साथ, यह तन कांचा कुंभ था लिए फिरे थे साथ, टपका लागा गिर पड़ा कछु ना आया हाथ। यह कच्चा घड़ा कच्ची हंडी ये शरीर है, इसको साथ में लेके घूम रहे हैं, ना जाने कब किस समय किसका शरीर छूट जाए। इतना गुरूर करते हैं हम, इतना अहंकार करते हैं कि मैं बड़ा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। लेकिन संत कहते हैं कि समय नहीं लगता है शरीर छूटने में, अभी लगभग 5-6 दिन हुआ है। इन 6 दिनों में मेरे पास में 10 काल आ गया कि फलाने आदमी का अटैक में शरीर छूट गया, फलाने आदमी का एक्सीडेंट में शरीर छूट गया, फलाने आदमी का बीमारी में शरीर छूट गया, श्राद्ध कर दीजिए, श्राद्ध कर दीजिए करके फोन बहुत आ रहा। कल भी आया था इधर खुजराह से, तो फोन बहुत आ रहा है। तो मैं चिंतन कर रही थी कि सबका फोन मेरे पास आ रहा कि आज उसका शरीर छूटा, आज उसका शरीर छूट गया, एक दिन मेरा फोन भी सबके पास जाएगा कि मेरा भी शरीर छूट गया। इस शरीर का भी ऐसा ही होने वाला है जैसे उसका होने वाला। कोई मर जाता तो हम कहते बेचारा मर गया, बेचारा दुनिया से चला गया, लेकिन हम सब भी बेचारे हैं, हम सब भी काल के चारे हैं, हम सब भी जाने वाले हैं, हम रहने वाले थोड़ी हैं। यही है कि किसी का स्टेशन पहले आ गया, किसी का स्टेशन बाद में है, सब ट्रेन में सवार हैं। जीवन की सफर में, जिंदगी की गाड़ी में सब सवार हैं। किसी का स्टेशन, किसी का टिकट पूर्णिया तक का, किसी का मधेपुरा, किसी का सहरसा, किसी का सिमरी बख्तियारपुर, किसी का भागलपुर, किसी का समस्तीपुर,
अब जिसका स्टेशन आ जाता वो उतर जाता है, और जिसका स्टेशन नहीं आया वो पैर फैला के बैठ जाता, और अच्छे से बैठता, कहते वो सीट बढ़िया खाली मिल गई, सीट बढ़िया खाली मिल गई। पर ये मत भूलो कि अगला स्टेशन आप का ही है, अगला नंबर आप का ही है। हम भूल जाते हैं अपने, इसीलिए महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, आश्चर्य का विषय क्या है। तो यक्ष युधिष्ठिर ने कहा था कि रोज रोज लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों, रोज श्राद्ध चल रहा है, रोज संसार से लोग जा रहे हैं, और रोज लोग कंधे में उठा रहे हैं, हाथों से जला रहे हैं, फिर भी जो जिंदा है वो अपनी मृत्यु को याद नहीं करते, वो अपनी मौत को भूले हुए हैं। इससे बढ़कर दुनिया में आश्चर्य और क्या होगा कि हम अपनी मृत्यु को भूले हुए हैं, अपनी मौत को भूले हुए हैं, गाफिली में सोए हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सपने सोया मानवा खोलिज देखा नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। साहब कहते हैं कि सपने में देखते हैं कि बहुत सारा पैसा मिल गया, कभी हुआ है आप लोगों के साथ सपना में देखेंगे कि बैग से भरा पैसा, पैसा से भरा हुआ बैग मिल गया, कभी धन मिल गया ढेर सारा, हाथ में पैसा रखे, जब नींद खुली तो हाथ देखते हैं तो दोनों हाथ खाली है। ऐसे ही संसार के मिले हुए प्राणी और पदार्थ, बेटा बेटी, धन संपत्ति, माल जाल, ये सपने की तरह, जब आंख बंद होगी तो मुट्ठी में कुछ नहीं होगा। दुनिया में आए खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना यारो, कब्र में जेब, कफन में जेब और कब्र में अलमारी नहीं होती। बहुत धन कमा लीजिए, धन कमाना अच्छी बात है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर धन के साथ जीवन में थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए, दान कीजिए, सेवा कीजिए, धन का सदुपयोग कीजिए, तभी धन का जीवन में सार्थकता होगी। तो मैं कह रही थी कि सदगुरु कबीर साहब इस शरीर की नश्वरता, क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हैं कि जिस शरीर को लेकर आप फूले फूले घूम रहे हैं, इत्र से, क्रीम से, सुंदर सेंट से इस शरीर को सजा रहे हैं, सवार रहे हैं, उस शरीर का क्या होगा। ऐसनी देह निराला पे बोरे, मोबल छुए नहीं कोई हो। अगर गांव में कोई मछली मर जाए, बकरी मर जाए, मुर्गी मर जाए, तो उसको छूने में छुआ नहीं लगता, अपवित्रता नहीं होती। लेकिन आदमी मर जाए, बाप मर जाए, बेटा मर जाए, तो जब तक गंगा जल नहीं लाएंगे तब तक वो पवित्र नहीं होता। और आदमी को गांव के बाहर ले जाके गड़ाएंगे तब गांव पवित्र होता है। अब बकरी का मुर्दा बाहर से लाते हैं, मुर्गी का मुर्दा बाहर से लाते हैं, मछली का मुर्दा बाहर से लाते हैं, उसको कहाँ गड़ाते हैं, शमशान घाट है कोई? अच्छा, कभी सुना है आप लोगों ने कि सुअर को गड़ाने के लिए शमशान घाट बना? बकरी मुर्गी तो थोड़ा ठीक ही ठाक है, साफ है, मतलब इतना गंदा नहीं होता ना, लेकिन सुअर तो सबसे गंदा होता है ना। सुअर ऐसी चीज खाती है जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते, सही बात ना। सबसे गंदा कोई जीव है तो वो सुअर है, सबसे गंदी चीज खाती है। पर कभी सुना है कि सुअर को गड़ाने के लिए कोई दूर में शमशान घाट बना है, कोई सुअर मर जाए तो उसको बाहर गड़ाते हैं? सुअर को कहाँ गड़ाते हैं? आदमी का पेट, चलता फिरता शमशान घाट, सब चलता फिरता। सुअर का मुर्दा पेट में गड़ाएगा, मछली का मुर्दा पेट में गड़ाएगा, बकरी का मुर्दा पेट में गड़ाएगा, सबका मरा पसंद है, पर आदमी को आदमी का मरा हुआ नहीं पसंद।
कबीर साहब ने इसीलिए ना कहा कि ये शरीर मानव का सबसे ज्यादा नस्वर क्षणभंगुर और घृणित है, गंदा है। सुअर का शरीर भी अच्छा, इससे कम से कम उसे लोग पेट में गड़ा लेते हैं, पर आदमी तो आदमी का मुर्दा आदमी अपने घर में भी नहीं गड़ाएगा। कहेंगे कि घर के अंदर जमीन खोद गड़ा दीजिए, वहां भी डर लगेगा उसको, कहीं भूत बन के ना आ जाए। आदमी दूर में ले जाके गड़ाता है, दूर, बहुत दूर। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंदन चीर चिता सब लेपे, गरगज मुक्ता के हारा हो, चौसठ गीत मुए तन लूटे, जमुकन बुद्ध विदारा हो। लोग इस शरीर के लिए न जाने कितने प्रकार के, इसमें चंदन है, लेप करते हैं सुगंधित चीज कि शरीर अच्छा लगे। शरीर को सजाने की अपेक्षा आप आत्मा को सजाइए, मन को सजाइए, क्योंकि मन की निर्मलता में ही, आत्मा की पवित्रता में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शरीर बड़ा सुंदर हो पर मन में मैल हो, मन अपवित्र हो, मन में कपट भरा हो, तो इस शरीर की कीमत नहीं है।